तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपको तो पता होगा गाइस, हमारे फ्री फायर में काफ़ी ज़्यादा नए इवेंट आते रहते हैं। अब इसमें से गाइस एक इवेंट है भाई, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर ट्रिबल स्कार डंडिया, जिसका नाम है गाइस स्टाइल अप बियर्ड बैंडाना। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह है गाइस, ये उसी तरीके का इवेंट है जो कि गाइस आपको एंजेलिक पैंट के साथ देखने मिला था, जिसमें गाइस हाँ आपको ने सही गेस करा, जिसमें गाइस रेड एंजेलिक पैंट वगैरह आया था और हमारा जो पुरानी एंजेलिक पैंट थी वो भी गाइस ने रिटर्न कर दिया था। ठीक है, और हमारी जो फीमेल की एंजेलिक पैंट थी वो भी गाइस इसने दिया है, सेमी मेंट है। लेकिन गाइस अगर आप इसका थोड़ा सा सिस्टम देखोगे तो उसमें गाइस हमें 480 की स्पिन मिल रही थी, लेकिन इसमें 180 की है। और इसमें गाइस जो हमारी फर्स्ट स्पिन है वो 40 डायमंड की है, लेकिन गाइस पहले हमें जो है 40 में मिलती थी, लेकिन अब जो है गाइस 20 में दे रहे हैं गरीना, क्योंकि गाइस ये कितना खास इवेंट तो है नहीं। इसमें आपको कंपोनेंट दिखाता हूं आपको क्या मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप रिसेंट ब्लास्ट बहुत मनोज करोगे तो गाइस का म्यूजिक बंद करो। यहाँ पर आपको जो है कितना आइटम मिलते हैं भाई, 6 आइटम मिलते हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें ब्रेडेड बियर, दूसरा भाई सबको पसंद भाई ट्रिबल स्कार्फ जो कि मेरे पास है, मिडनाइट गैंगस्टर फेस पेंट जो कि मेरे पास नहीं है, बिशैडो बैंडाना जो कि मेरे पास नहीं है, और हाँ दो चीज़ें मेरे पास है, सेंटा मिलिटेड डार्क बियर्ड, ये तो भाई आपके पास भी होगी, और दूसरा आता भाई रेनडियर कवर। ठीक है, अब इसमें से क्या सबसे ज़्यादा जो रेयर चीज़ है वो तो आपको पता है भाई, ट्रिबल स्कार्फ सबकी पसंद है कि भाई अगर भाई ट्रिबल स्कार्फ यहाँ पर चूज़ करेंगे तो हमारे ट्रिबल स्कार्फ जो है निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो है गाइस कोई सा भी मास्क चूज कर लो, गरीना भाई आपके साथ खेलेगा आपके जज्बातों के साथ, आप कोई सा भी मास्क चूज कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिबल स्कार्फ चूज कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास है, मैं ये बियर्ड चूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सोचूंगा भाई मैंने चूज कर लिया तो मेरे को ये बियर्ड मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई, गरीना आपको कुछ भी दे, ओ भाई ये क्या है, भी दे सकता है। यहाँ पर आप जैसे तो लिखा भाई 10x चांस। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सिलेक्ट करा है गरीना वही देगा भाई, बहुत खतरनाक है भाई, इसका नाम गरीना है। ठीक है, ये वो नहीं देगा आपको, जाएगा कुछ अलग ही टाइप का देगा। ठीक है, अगर आपने सिलेक्ट करा दूसरा और आपको मिल जाएगा दूसरा, कुछ ऐसा सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, जैसे ये सीधा मतलब ये है, मैंने ये बियर्ड सिलेक्ट कर ली, अब मेरे मन में ये आ रहा है कि भाई ये गरीना मेरे को यही दे देगा, ठीक है मैं स्पिन मारूंगा तो, लेकिन नहीं है भाई, इन जितने भी 6 आइटम है 50 वाला आइटम गरीना आपको पकड़वा देगा। अब भाई आपको निकालना है ट्रिबल स्कार, वो कैसे निकलेगा, अब मैं कहूँगा इसमें भाई इन्वेस्ट मत ही करो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब बिल्कुल टट्टी इवेंट है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है इस इवेंट में इन्वेस्ट करने का, बस एक बियर्ड एक्स बैंडाना मार दिया भाई। अगर ये इवेंट भाई कौन से मैं बता दूँ किस में सही रहता, ये सही रहता भाई हमारे मोको स्टोर में। अब वो क्यों, रीज़न भी बता देता हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि मोको स्टोर में हमें चूज़ करने का मिलता है कि भाई कौन सा मास्क लेना चाहोगे, गरीना एक ऐसी ऑप्शन रख देता, ये सारे 6 आइटम वहाँ रख देता, अब बंदों को भाई जिसको पसंद होगा वो भाई वो सिलेक्ट कर लेता, जैसे कि आपको ट्रिबल स्कार्फ पसंद है वो सिलेक्ट करके भाई आपका भाई उसमें एक लिमिटेड होती है कि इस लिमिट डायमंड में भाई आपका ये इवेंट निकल जाएगा। लेकिन गाइस इस इवेंट में कोई लिमिट नहीं होती भाई डायमंड की, इसमें 1000 भी खर्च हो सकते हैं, 2000 भी, 3000 भी खर्च हो सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती इन इवेंटों की, इसलिए भाई मोको स्टोर जो फेडरेट बिल वगैरह होते हैं ना उसमें एक लिमिट होती है कि भाई 800 डायमंड में ये आपका जो निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। लेकिन गाइस यार इस इवेंट की लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड डायमंड भी खा लेता है भाई कभी कभी। क्या कर रहे हैं यार, गरीना इसको सेट करके रखता है कि भाई इस बंदे को 2000 पर देना है, किसी को 3000 पर देना है, ऐसा मतलब होता है भाई। ठीक है, बहुत इवेंटों के साथ होता है, ये काटने वाले इवेंट है भाई, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब इन्वेस्ट काय में करना है वो भी तो देख लो। अब देखो भाई आपको पता है मिस्ट्री शॉप आया हुआ है, ठीक है मिस्ट्री शॉप आया हुआ है, अब इसमें जो गाइस अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिलता है आपको पता होगा, इसमें हमें माई लक्की डिस्काउंट, अब किसी को भाई 90 का मिल जाता है, किसी को 80 का मिल जाता है, यहाँ तक कि किसी को भाई 50 का मिल जाता है। ठीक है, अगर आपका लक अच्छा है तो भाई आपको ज़्यादा का मिल गया होगा, और जिसको 80 का मिला है ना, ये जो भाई 31 डायमंड देख रहा हूँ ना, ये भाई पूरे 20-20 10-10 डायमंड में हो जाएंगे, जिसको 80 या 90 का मिला है, ठीक है 10-10 5-5 डायमंड में हो जाएंगी, तो इससे अच्छा है भाई उस इवेंट से अच्छा इस इवेंट में इन्वेस्ट कर लो। इसमें से गाइस आप अपना मन पसंद दिए गए, एक ये बंडल है जो कि गाइस काफी ज्यादा बेस्ट है, इसका नाम है गाइस वीकेंड रनर, और दो बंडल जो हमारे रिसेंटली आए हैं जिसका नाम है गाइस यहां पर टेल यंगस्टर बंडल, इसका अपन ने कॉम्बिनेशन भी बना दिया, जाकर देख लेना। ठीक है, और यहां पर जो स्विच करते हैं तो दूसरा आता है भाई ये वाला बंडल। ठीक है, इसमें भी सतो भाई इसके इसमें भी देखो भाई एक बंडल देखने को मिलता है जिसका नाम है गाइस यहां पर द ब्लड स्कल रॉक, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट बंडल है, इसको भी आप यहां पर ले सकते थे, तो भाई उससे अच्छा है इसमें इन्वेस्ट करो, ये ज्यादा बेस्ट है भाई एज कम्पेयर। मैं बता देता हूँ आपको टू बियर्ड बैंडाना इवेंट। ठीक है, तो भाई सीधा मतलब ये आता है कि भाई ऐसे इवेंटों में आपको जो इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे इवेंट में इन्वेस्ट करना है कि आपको पता लगे कि भाई हाँ इतने डायमंड में निकाल सकता हूँ, इतने मेरे पास है। अब भाई आपको भाई जरूर निकाल नहीं है तो भाई आपके पास अंधा डायमंड है, अंधा पैसा है तो भाई निकाल लेना। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास कोई मास्क नहीं है, मुझे पसंद है, मेरे पास पैसा भी है, मैं निकाल सकता हूँ, हाँ तो निकाल लेना भाई। अगर आपके पास 3-4 डायमंड है, 2-3 तो निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में गाइस यही बताना था भाई इन्फॉर्मेशन, तो नीचे यार कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा वीडियो। बाकी भाई वीडियो खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस, जो मेरे पास ट्रिबल स्कार्फ है
वो जो है गाइस 2 साल पहले आया था टोपो में, 300 डायमंड का टोपा में, ठीक है 2 साल पहले आया था। अब गरीना ने इतने खतरनाक इवेंट में दिया है भाई, अब 300 डायमंड का 3000 डायमंड लगाने पड़ेंगे भाई आपको, ठीक है सीधा मतलब यही आता है। तो बाकी गाइस होप करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना यार, होप करता हूं वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि यार फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यार, अपन शुरू ही करते हैं भाई, एंड करते हैं यार, शुरू तो अपने कर दिया। बाय बाय।